से आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। आज एक दिन की श्रीनगर की यात्रा पर मैं यहां आया हूं और आने के बाद यहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू किया है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो और सेंटर द्वारा जो भी प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसकी भी रिव्यू मीटिंग मैंने की है। सबसे पहले तो यहां की स्टेट गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन थे बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में कराने में कामयाबी हासिल की है और मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इलेक्शन के दौरान कहीं पर किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं होने पाया और मैं मानता हूं कि अर्बन लोकल बॉडीज के बाद अब जम्मू कश्मीर में पंचायत के भी चुनाव होने वाले हैं। यह पंचायत पीसफुल मैनर में हूं इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट यहां की वाजिब और मुकम्मल व्यवस्था करे इसकी भी चर्चा हुई है और वह व्यवस्था की जा रही है और इस प्रकार के जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं और जो पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं मैं समझता हूं कि यह जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया कि हिस्टोरिकल स्टेप होगा। पहली बार डिवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रहने वाले लोगों को इंपावर करने की कोशिश की जा रही है। इसका नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर के हर गांव पंचायत के विकास के लिए हर साल कम से कम 60 से लेकर 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वयं पंचायत खर्च करेगी, सरपंच खर्च करेगा और साथ ही साथ उस पंचायत के सभी सदस्य उसे खर्च कर सकेंगे। ताजा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।